जय साई राम। नमस्कार। जय साई राम। मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत कर रहा हूँ आपका आपके इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं बुधवार के उपाय की, यानी 17 मार्च 2021 बुधवार का उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। आज कुछ संयोग इस तरह का बन रहा है जिसमें यदि आज आप उपाय करते हैं तो अगले 90 दिन तक आपको लाभ मिलता रहेगा। क्या उपाय करना है ये मैं अभी बताने वाला हूँ। दिल से करें और अच्छे मन से जब आप उपाय करते हैं तो बहुत अधिक लाभ होता है। आज क्या करना है, तांबे की कोई वस्तु, चाहे अंगूठी हो, चाहे आप उसको बिजली की तार से निकाल लीजिए, उसमें भी होता है, चाहे सिक्का ले लें, कुछ भी, चाहे जल प्रवाह कर दीजिए, चाहे ज़मीन में दबा दीजिए, चाहे किसी चौराहे पर, यानी जहाँ चार रास्ते आकर मिलते हो वहाँ गिरा दीजिए, आपको बड़ी तेज़ी से लाभ होगा। ध्यान रखिएगा कि आज का उपाय 90 दिन लाभ देने वाला है, इसलिए दिल से करें और ज़रूर करें। यदि तेज़ी से लाभ लेना है तो अवश्य करें। आज का उपाय किसी भी सूरत में आप मिस मत करें, बहुत अधिक लाभ देगा, क्योंकि बुध जब उठ चुके हो जाते हैं तो दिमाग तेज़ी से चलता है, और जब दिमाग तेज़ी से चलता है तो फिर चारों तरफ से आपको लाभ होने लगता है, कोई नुकसान नहीं रहता है। हम चारों तरफ से अपना फ़ायदा आप ही ढूंढ लेते हैं, यानी रास्ते बन जाते हैं, और जब रास्ते बन जाते हैं तो फिर किसी तरह की कोई मुश्किल हमें नहीं आती है। तो इसलिए आज का उपाय दिल से करें और ज़रूर करें। समय जो है वो सूर्य अस्त से पहले पहले का है, यानी सूर्य अस्त से पहले पहले यदि करें तो अधिक लाभ मिलेगा। सूर्य अस्त के बाद आप उपाय मत करें, फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आज का उपाय सूर्य अस्त से पहले पहले अवश्य कर लीजिए, यदि आपने तेज़ी से लाभ लेना है। मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे, जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए, या अकाउंट नंबर मांग लीजिए, फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों के जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता, जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर गायक सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार। खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। Oh.